जेठालाल बता साहब, आप अभी आ रहे ऑफिस से? हाँ, असल में आज थोड़ा सा अतिरिक्त काम था ऑफिस में, और अंजलि भी घर पे नहीं थी, तो मैंने कहा घर जल्दी जाके क्या करूंगा, काम ही खत्म कर लेता हूँ, तो काम पूरा करके आ रहा हूँ। आप लोग बताइए, बबीता जी के घर आपका डिनर कैसा रहा? ये क्या देख रहा है, बता। क्या बताऊं मेहता साहब, वो हुआ यूं के पोपट ने आज रात को मुझे, तुझे और टप्पू को खाने पे बुलाया। नहीं नहीं बाबू जी, हम पोपटलाल के घर पे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? शाम को बबीता जी अचानक दुकान पे आए थे वो चार्जर लेने, बातों बातों में उनको पता चला कि दया अहमदाबाद गई है। दया भाभी नहीं है तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आइए ना। चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। बापू जी ने वादा किया था? चाचा जी ने पोपटलाल को प्रॉमिस कर दिया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। जेठा जी, तो आज हमारे ये रॉयल बंगाल डिनर कैंसिल करते, आज के लिए आप पोपट भाई के हाथ का डिनर एंजॉय कीजिए। अरे ये तो कितना तीखा है, इसमें डबल मिर्ची है। ओहो हो जेठालाल, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि ये मसालेदार खाने की बातें हैं, हम सलाद खाने वालों से करोगे तो हाय तो लगेगी, लग गई ना हाय। मेहता साहब, यहाँ बापूजी बेचारे भूख के मारे बिलख रहे हैं और आप ताना मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ताने नहीं मार रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अगर आप लोगों को एतराज न हो तो आप लोग मेरे घर खाना खाने चलिए ना, अंजलि बहुत सारा सूप और सलाद बना के गई, हम लोग खा लेंगे। सलाद सूप? नहीं मेहता साहब, थैंक यू, हम लोग घर जाकर कुछ बना लेंगे। जेठालाल, अभी अभी तुमने कहा कि चाचा जी भूख से बिलख रहे, कब जाओगे, कब बनाओगे, टाइम लगेगा, चलो ना खा लेंगे सलाद। अरे बापू जी का सलाद वलाद नहीं चलेगा। अरे साहब चले भाई, मुझे अभी भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, तू चल जल्दी। अरे मैं तो खड़ा क्या, जल्दी दरवाजा खोल भाई, जल्दी दरवाजा खोल जल्दी। आइए मेहता अंकल, ये सूप किस चीज का बना? टप्पू, तुमने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया दोस्त। तुम्हारे अंजलि आंटी के हाथ का सूप तो ब्रह्मांड के सबसे गुड रहस्यों में से एक है, वो किसी भी चीज से बना सकती है। अब टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग सूप और सलाद के आदि नहीं है, लेकिन अब एक दिन गुजारा कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो क्या नसीब है मेरा, बबीता जी ने अपने हाथों से मेरे लिए, हमारे लिए शाही बंगाली खाना बनाया था, वो छोड़ के ये घास फूस खाना पड़ रहा है। क्या सोच रहे हो जेठालाल, लो ना। कुछ नहीं, क्या ढूंढ रहे हो जेठालाल? खाना बिना यार, ये काली द्राक्ष अच्छी है। नहीं नहीं, ये द्राक्ष नहीं है। तो क्या है ये? पापा, ये ब्लैक ऑलिव्स है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑलिव्स है, ऑलिव्स। गुंदा जैसा कुछ अच्छा है। चाची जी और लेंगे? नहीं, मेरा हो गया। जेठालाल तुम? थैंक यू। तुम टप्पू बेटा? नहीं नहीं मेहता अंकल, मेरा पेट भर गया। अच्छा।
पेट भर गया? हाँ पापा, कभी कभी चलता है, आई लाइक सैलेड। चलो चले। अच्छा महतुस, आज रात के खाने के लिए अंजलि बेटी को हमारी ओर से थैंक यू कहना। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, घर की बात है, थैंक यू की क्या जरूरत है। और हाँ, अंजलि जब आए तब एक दिन आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। अरे अंजलि आप लोगों की पसंद का खाना बना के खिलाएगी, आज नहीं खा पाए इसलिए। हाँ जरूर जेठिया। टप्पू चलो चल। बापू जी आप चलिए, मैं जरा मेहता सबके साथ सोडा पी के आता हूँ। हाँ ठीक चल डब। हाँ अच्छा मैं तो फिर से एक बार थैंक यू। तो शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जी। चल बाय मैं अंकल, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट चाचा जी। हाँ जेठालाल, जो हो गया सो हो गया, आप छोड़ो दोस्त। अरे क्या छोड़ो मेहता साहब, बापूजी को कितनी भूख लगी थी, बेचारे ठीक से खा नहीं पाए, ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ। जेठालाल पोपटलाल ने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से मिर्ची ज्यादा डाल दी, हो जाता है कभी कभी, जाने दो। नहीं वो तो मैं समझता हूँ मेहता साहब, लेकिन उसने जो जीत पकड़ी ना कि बबीता जी के घर का खाना कैंसिल करो और मेरे घर पे खाना खाने आओ, वो उसने बहुत गलत किया। अरे बबीता जी और अय्यर भाई ने दोनों ने बोला भी उसको कि तुम भी आओ यहाँ खाना खाने, लेकिन नहीं, अगर ऐसा आ जाता तो सब बराबर हो जाता ना। उसने जो खाना बनाया है वो फ्रीजर में रख देता तो आगे 3-4 दिन के लिए उसका काम आ ही जाता ना। सब गड़बड़ कर दी पोपटलाल ने। ठीक है जेठालाल भाई, परिस्थितियां ऐसी बन गई, छोड़ो अब जाने दो, चलो है। और हाँ जेठालाल, माँ अब्दुल चौप पे पोपटलाल को तुम गुस्से में कुछ कहना मत यार, ताने मत देना, उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके खाने में मिर्ची भले ही ज्यादा थी लेकिन प्यार भी कम नहीं था। हाँ मेहता साहब इतना तो समझता हूँ मैं, क्या अब भी। चलिए चलो ये रख दे अंदर। नहीं मैं लौट के रख दूंगा। चल। रख दे, 2 मिनट लगेगा, रख दे। अरे मैं वो इसी बात पे यारो, और जब तक जेठापुरा और मेहता साहब आते हैं तब तक मैं एक तूफानी शेर सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। अर्ज किया है इरशाद, ए सुनामी जरूरत नहीं तेरी तूफानी लहरों की, जिंदगी में तूफान लाने के लिए हमारी पत्नियां ही काफी हैं। रोशन भाभी यार कमाल है यार। ओ यारो ये शेर मुझे फॉरवर्ड आया था तो मैंने कहा टाइम पास करने के लिए तुम लोगों को सुना देता हूँ। भाई अपना जोड़ी हम लोगों के सामने कितना भी बड़ा शेर बन जाए लेकिन रोशन भाभी का नाम आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। प्यार करते हैं। लो भाई आ गए मेहता साहब और जेठा भाई दोनों आ गए। वेलकम यारो वेलकम। बताओ भाई क्या चर्चा चल रही है। मेहता साहब आप लोगों का इंतजार हो रहा है। आ गए लोग। जेठा भाई एक बार फिर से आपको थैंक यू, आपकी वजह से हमें बबीता जी के हाथ का स्वादिष्ट बंगाली खाना खाने को मिला। ओ? आपकी वजह से मतलब? मतलब आज डिनर का डबल डेट हो गया। मुझे? मतलब क्या हुआ कि पोपटलाल ने चाचा जी जेठालाल और टब्बू को डिनर पे इनवाइट किया और बबीता ने जेठालाल चाचा जी और टब्बू को हमारे यहाँ पे इन्वाइट किया। अभी जेठालाल को यह मालूम नहीं है कि पोपटलाल के घर पे डिनर पे जाना है और चाचा जी को यह मालूम नहीं कि हमारे घर पे डिनर के लिए आना है, इसलिए इसमें तब गड़बड़ हो गया। ओहो तो फाइनली किसके घर पे गए? ये पोपटलाल के, ये मानने को ही तैयार नहीं था। अभी बबीता ने खाना बना लिया था फिर हमने सोचा कि कोमल भाभी घर पर नहीं है तो डॉक्टर हाथी और गोली को घर पर इन्वाइट कर लेते हैं। डॉक्टर हदीस तो नाइस ऑफ यू, आपने लास्ट मोमेंट पर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अरे ऐसा मत बोलिए, खाना खाने के लिए हम किसी को नाराज नहीं करते, अन्न ही जीवन है। और जेड़ा और तुसी ये दसो पप्पू ने खाना कैसा बनाया था? अरे हमको ही बनाया। क्या हुआ बताने लायक नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी, उसने तो वो स्पेशल हमारे लिए बैंगन का भरता बनाया था। वो
और उसके लिए बैंगन कहाँ से लेके आया था? केएमसी मार्केट। अरे वहाँ पे तो जलगांव से बैंगन आते हैं। क्या बात है, फिर तो मजा आया होगा। नहीं अरे मंजे का है, विचारो नक्का। अरे नहीं बताओ ना, बताओ जेठा। हाँ जेठा, वो बैंगन के भरते में जो मिर्ची डाली थी, कोफ्ताला मिर्ची आवडते, वो तो डालेगा ही ना, एकदम झणझणीत ना। अरे मैं तो खा ही नहीं सका। जेठा भाई, इतना अच्छा बैंगन का भरता बना था, फिर आपने खाया क्यों नहीं? वो क्या क्या, मैं डर गया थी भाई कि ये इतना अच्छा बना है, अगर मैंने ये खाया तो क्या मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, और इतना ज्यादा मिर्ची वाला खाना अगर ज्यादा खाते हैं तो फिर सेहत के लिए दूसरे दिन। नहीं नहीं सही बात। और जेठा भाई, कुल मिला के ये बताओ, पप्पू के यहाँ जाके मजा आया ना? हाँ मजा आया। अरे बहुत प्यार से बनाया पोपटलाल ने हमारे लिए खाना। और पप्पू, फिर तो अगली बार जब तू लड़की देखने जाए ना, तो सबसे पहले ये बताना तुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। हाँ फिर तो लड़की रिश्ते के लिए चुटकियों में हाँ कर देगी। सही बात है, लड़कियों को अच्छा खाना बनाने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। पप्पू, और मैं क्या कहता हूँ, तू अपनी ये पत्रकारिता छोड़, हम लोग पार्टनरशिप में ढाबा खोल लेते हैं, सोडी एंड पप्पू का ढाबा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है बोबटलाल, सोच के देखो, बढ़िया बिजनेस है। तो फर्स्ट क्लास खाना बनाना और ढाबा चलाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दे। हाँ अच्छा अच्छा आइडिया, खोलो, पैसा मैं लगाने को तैयार हूँ। क्या बात है, तेरी वावा पेंशन भी मिल गया। पोपटलाल, तुम और सोडी अगर मिलकर ढाबा खोलते हो फिर तो तुम्हारा एक कस्टमर फिक्स है, मैं रोज खाना खाने वही आऊंगा। अरे वाह वाह वाह, तो और क्या चाहिए भाई, खाना बनाने वाला तैयार है, ढाबा चलाने वाला तैयार है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला तैयार, और खाने वाला भी, और क्या चाहिए भाई। थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों की भावना समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अरे काफी क्या, एक ही अवार्ड मिला है पोपटलाल तुम्हें, वो कौन सा, वो कौवा वाला क्या, सोनेरी कावड़ा। ये सोनेरी कावड़ा का है, सोनेरी कावड़ा गोल्डन क्रो बोलो। अरे तो बात तो वही है ना पोपटलाल, अंग्रेजी की जगह मराठी में बोला है भिड़े ने। नहीं वो बोला वो बराबर है, लेकिन किस तरह से बोला, सोनेरी कावड़ा तो भाई रेस्पेक्टेबल अवार्ड है, और वो एक अवार्ड 10 अवार्ड के बराबर है। हाँ तो 10 अवार्ड मिल गए ना बस, अभी और कितने चाहिए? नहीं अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे अवार्ड लेने। सुनहरी कौवा तो मिल गया, अब चांदी की चील बाकी है। नहीं मेहता साहब ऐसा नहीं बोलते, चांदी की चील नहीं, सिल्वर ईगल। नहीं मैं क्या कहता हूँ पोपटलाल, कि फिर तो तुम्हारे खाना बनाने का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। वो टैलेंट कैसे वेस्ट हो जाएगा, कोई अपने हाथ से खाना बना के प्रजाजी को खिलाएगा ना। बराबर। चलो दोस्तों इसी बात पे सोड़ा हो जाए। तो चलो भाई पोपट डाल के खाने के टैलेंट के लिए। अभिता, आई एम बैक। अभिता। हाँ बोलो भैया। बबीता क्या कर रहा था? मैं किचन में थी। पर बबीता इस टाइम पर किचन में क्या कर रहा था? कल सुबह की सरप्राइज की तैयारी कर रही थी। कल सुबह का सरप्राइज? कड़ाई शुटीर कचौड़ी, मतलब मटर की कचौड़ी लाइक अ पराठा। आई नो, बट ये सरप्राइज किसके लिए है? जेठा जी, चंपक चचा और टप्पू के लिए। क्या है ना, आज तो वो लोग हमारे यहाँ पे डिनर नहीं कर पाए, पोपट भाई के वहाँ पे करना पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग कल सुबह उन्हें एक अच्छा सा बंगाली फूड खिला के सरप्राइज दे। ए, वेरी गुड आइडिया बबीता, तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुटीर कचौरी खाकर वो तीनों बहुत खुश हो जाएंगे। कुटीर कचौरी नहीं, कड़ाई शुटीर कचौरी। भाई भाई, लेकिन बबीता एक बात कहूँ, तुम मानोगी नहीं लेकिन मैं भी गड़ा फैमिली को ब्रेकफास्ट का सरप्राइज देने का सोच रहा था। Really? That's wonderful. क्या बात है? Yes, बबीता, yes. एक बात बोलूं, जो तुम सोचता है ना
कोई मैं सोचता है, और जो मैं सोचता है कोई तुम सोचता है। सच में पविता, we are made for each other. No, no, I think we're mad for each other. आप कौन हो? आयते? आप कौन हो? ए काय झालं तुला? मैं आत्माराम तुकाराम मिडे तुम्हारा पति, भूल गई क्या? ए भक्ती हो, आप कौन हो? मतलब आप सोसाइटी में कौन हो? हाँ वैसे एक में एकमेव सेक्रेटरी। ते माहिती आहे। शिक्षक। कळत असेल। आप सोसायटी के एक सदस्य हो। हाँ तो सोसायटी का सदस्य ही सेक्रेटरी बन सकता है माधवी। हो ना, तो सोसायटी में एक सदस्य होने के साथ साथ आप एक जिम्मेदार पड़ोसी भी हो ना? हाँ तो? हाँ तो पड़ोसी होने के नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता। क्या किया सोड़ी ने, पी के आया, लफड़ा किया? सोड़ी भाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जेठा भाई की बात कर रही हूँ। कभी घेतली बोलना मैं। क्या हुआ जेठालाल को? जेठा भाई को कुछ नहीं हुआ, दया भाभी घर पे नहीं है, वो अहमदाबाद गई है ना। हाँ। तो ये तीनों अकेले हैं। हाँ। तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनको नाश्ते के लिए खाने के लिए पूछे? हाँ बिल्कुल बनता है फर्ज, बिल्कुल पूछना चाहिए उनको। हाँ तो मैं वही सोच रही थी कि कल सुबह मैं उनके लिए मस्त भी की गर्मा गर्म थाली पीठ बनाऊंगी, फिर हम दोनों वहाँ जाके उनके साथ नाश्ता करेंगे। कैसी आइडिया? वाह वाह प्रतिभा आइडिया माधवी, कल सुबह मस्त भी की उनको थाली पीठ का सरप्राइज देंगे। रोशन का दिल बस में नहीं है, तने कोई शर्म हया आवे छे कि नहीं? तो अपनी रोशन डार्लिंग को चांद कहने में किस बात की शर्म? रोशन वो आनी बात नहीं कर रही बाबा। तो? रोशन में जेठा भाई, चाचा जी और टप्पू की बात कर रही हूँ। अरे उनकी बात कहाँ से आ गई? दया बिन घर पे नहीं है ना, तो वो लोग खाने पीने का क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा है तूने? अरे हाँ सुनी है, आज तो वो पप्पू के घर डिनर करने गए थे, नाश्ते का क्या करेंगे? रोशन मैंने नक्की किया है कि कल सुबह मैं उनके लिए गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बना के उनके घर ले जाऊंगी। I love you 1, 2, 3. I love you 4, 5, 6. I love you 7, 8, 9, 9. कल तेरे हाथ के बने पराठे और लस्सी और लेके उनके पास जाएंगे, उनको ये सरप्राइज देंगे और उनकी भी हो जाएगी। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। कोमल, मैं क्या कहता हूँ, कल सुबह कुछ अच्छा नाश्ता बनाना। मतलब मैं रोज अच्छा नाश्ता नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कोमल। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि कल अच्छा नाश्ता बनाना? मेरे कहने का मतलब था कि कल कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नाश्ता बनाना। क्यों? वो दया भाभी कुछ दिनों के लिए बाहर गई है ना। हाँ। तो पड़ोसी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है ना कि जेठा भाई, चंपक चाचा और टप्पू के खाने पीने का ध्यान रखे। ऑफ कोर्स हंस, तुम मानोगे नहीं मैं भी यही सोच रही थी कि कल सुबह हम लोग जेठा भाई के घर मस्त गर्मा गर्म कचौरी लेकर जाएंगे और उनको सरप्राइज देंगे। सही बात है, लेकिन कचौड़ियाँ थोड़ी ज्यादा बनाना। हाँ। हम लोग भी उनके साथ बैठ के खाएंगे, मजा आएगा। ये भगवान, आज मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मेरी वजह से चंपक चाचा, जेठा लाल, टप्पू सबका खाना बिगड़ा। नहीं नहीं, गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी। करता हूँ, कल सुबह नाश्ते में उनके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी बना कर ले जाता हूँ, मजा आ जाएगा। तारक 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 तारक, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। क्या हुआ भाई, कोई 50% सेल का कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, क्या हुआ क्या? नहीं तारक, मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हुई इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी मेहनत, क्या हो गया? आपको सैलेड और डाइट फूड खिलाने की मेहनत तारक। वो तो मैं खाता ही हूँ ना अंजलि। हाँ बाबा, लेकिन आज मैं इतना सारा सैलेड बना के गई थी, वो सारा सैलेड आपने डिनर में फिनिश कर दिया। मतलब फाइनली आपको मेरे सैलेड से प्यार हो ही गया। पर डाइट फूड से तो मुझे प्यार करना ही पड़ता है, लेकिन लेकिन क्या वो आज वो मतलब हाँ मैंने भी खाया। एक मिनट, मैंने भी खाया मतलब? मतलब कि वो सैलेड है वो अकेले मैंने नहीं खाया अंजलि। तो आपने मेरा सैलेड किस किस को खिला दिया?
सच बताइए किसको खिला दिया मेरा सैलेड? अरे भाई कुछ नहीं, इतना ओवर रिएक्ट मत करो अंजलि। अरे पर जेठालाल, चंपक चाचा और टप्पू ने भी खाया तो वो पूरा सैलेड खत्म हो गया। क्या चाचा जी, जेठा भाई और टप्पू ने खाने में मेरा सैलेड खाया? क्यों? हाँ देखो, हुआ यूँ, दया भाभी नहीं है तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आइए ना। चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। बापूजी ने वादा किया था? जेठा जी, तो आज हमारे ये रॉयल बंगाल डिनर कैंसिल करते। आज के लिए आप पोपट भाई के हाथ का डिनर एंजॉय कीजिए। ये तो कितना तीखा है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो आप लोग मेरे घर खाना खाने चलिए ना। अंजलि बहुत सारा सूप और सलाद बना के गई, हम लोग खा लेंगे। माय गॉड, ऐसा हुआ था? वो बेचारों का मन नहीं था, लेकिन मन न होने के बावजूद भी खाना पड़ा सलाद उन लोगों को। अगर मैं होती ना तारक तो उनके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती। लेकिन कोई बात नहीं तारक, कल सुबह हम दोनों जेठा भाई के घर उनका फेवरेट फाफड़ा जलेबी लेके जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया, जलेबी फाफड़ा, क्या बात है। साथ में ना पपीता की चटनी भी लेंगे, मजा आ जाएगा। किसको? जेठालाल को, उसका फेवरेट है ना जलेबी फाफड़ा, इसलिए। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो फ्रेश फ्रेश एटीएम स्पेशल सैलेड और सूप बनेगा। अरे तो चीटिंग है अंजलि यार, ये तो हद है यार, डिस्क्रिमिनेशन, इतना पक्षपात। मतलब किसी के लिए जलेबी फाफड़ा और हमारे लिए क्या सूप, किसी के लिए स्वाद और हमारे लिए सलाद। टू मच तारक, टू मच। अभी इतना नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। आप भी कल जेठा भाई और उनके परिवार के साथ बिंदास फाफड़ा जलेबी का लुत्फ उठाइएगा। पक्का? हाँ पक्का, ये हुई ना बात। लेकिन जेठा भाई को मत बताना, उनके लिए सरप्राइज है। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। जेठालाल को ऐसा जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हेलो बागेश्वर जी। हेलो बावरी जी। मैं अभी आप ही को याद कर रही थी बागेश्वर जी। मैं भी अभी आप ही को याद कर रहा था बावरी जी। मिस यू। मिस यू टू बागेश्वर जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। करूंगा ही ना, क्योंकि आपका दिल मेरे पास है और आपका मेरे पास। अच्छा बावरी जी, मैंने खास बात बताने के लिए आपको फोन किया है। क्या बात है, बोलिए ना। बावरी जी, कुछ दिनों के लिए सेठानी जी बाहर गई हैं, तो मैं ये सोच रहा था। मैं समझ गई कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके सेठ जी, जंपक चाचा, खाने का क्या कर रहे होंगे? आप एकदम सही सोच रही हैं बावरी जी, लेकिन जंपक चाचा नहीं, चंपक चाचा यानी बापू जी, और गप्पू नहीं, टप्पू सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक काम करते हैं, मैं और आप कल सुबह उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर चलते हैं। अरे वाह बावरी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। तो बागेश्वर जी, मैं उनके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? उनको क्या अच्छा लगेगा? बावरी जी, आपको जो बनाना है वो आप बनाइए, आपके हाथों में जादू है, जादू। आप जो भी बनाएंगी वो एकदम टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए नाश्ते में स्पेशल पोहे बनाती हूँ। पोहे? हाँ बावरी जी, ये एकदम मस्त रहेगा। और आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं बागेश्वर जी? कुछ मत बनाइए बावरी जी, सब वेस्ट जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे बागेश्वर जी कि मेरे हाथों में जादू है, और अभी आप कह रहे हैं कि वेस्ट जाएगा। अरे वेस्ट जाएगा मतलब, बावरी जी आपकी आंखों में जादू है, जादू। आपकी आंखों में देखते ही मेरी भूख प्यास सब हवा हो जाती है। अच्छा वैसे। अच्छा बावरी जी, कल सुबह आप नाश्ते के साथ रेडी रहना, मैं वहाँ आऊंगा, आपको पिक करूंगा और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, बाय बावरी जी, लव यू। बाय बागेश्वर जी, लव यू टू। मिस मिया ऑलवेज, गुड नाइट। गुड नाइट। मजा आ गया ना दादाजी? हाँ। अरे वाह, देखिए तुम आज जल्दी तैयार हो गए। हाँ बापू जी। पापा, अगर आप थोड़ा और जल्दी उठ जाते ना तो हमारे साथ वॉक करने भी आ सकते थे। अरे नहीं नहीं टपूड़ा, वो जल्दी उठ जाता तो भी नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे बापू जी, क्योंकि आज मैं अगर जल्दी उठ भी जाता ना तो मैं नहीं आता, क्योंकि आज मैंने तय किया था कि आज जल्दी उठ के तैयार होके हम तीनों के लिए चाय नाश्ता मैं बनाऊंगा। ये देखिए सब तैयार है।
पापा, क्या बात है पापा? बापूजी ये देखिए, हम दोनों के लिए चाय, टप्पू के लिए दूध, और नाश्ते में ये खाखरा और ये चिवड़ा। वाह, तैयार है, टूट पड़ो। बेटिया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे लिए चाय नाश्ता बनाएगा। हाँ पापा, मैंने भी नहीं सोचा था ना। बापूजी मैं सुबह जल्दी उठने में थोड़ा आलस करता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं जल्दी उठ सकता हूँ। एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठिया, आज का चाय नाश्ता एकदम ऐतिहासिक रहेगा, तूने जो बनाया है। नहीं, मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है बापूजी। ये देखिए, वो खाकरा चिवड़ा तो तैयार ही थे, खाली डिब्बे में से निकाल के इसमें रख दिए। चाय तो बनाई ना तूने? चाय बना है, चाय में क्या है? अरे नहीं नहीं, इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो चाय नाश्ता कर। जेठालाल अंदर आ सकता हूँ? नहीं। चाचा जी। क्या? मजाक कर रहा हूँ बापू। ये मेरा आजा भाई, आजा। अंदर आने के बाद पूछ रहा है अंदर आ जाऊँ? सॉरी सॉरी। ये क्या औपचारिकता हुई? सॉरी सॉरी। ऊपर बेटा, तू एकदम सही वक्त पे आया है, हम लोग अभी चाय नाश्ता करने बैठ ही रहे थे। तू भी बैठ जा। चाचा जी, मैं आप लोगों के साथ नाश्ता करने ही आया हूँ, लेकिन उसके पहले कल रात को आप लोगों को मेरे घर से खाना खाए बिना जाना पड़ा था, इसलिए फिर एक बार आपकी माफी मांगना चाहता हूँ। कल रात की बात तू अभी भी अपने दिमाग में लेके घूम रहा है? अरे भूल जा साहब, चल चल चाय नाश्ता कर। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं अपनी गलती सुधार नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा, और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं आप तीनों के लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी लेकर आया हूँ। देखिए। अरे फुफन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नाश्ता है। नहीं नहीं, जरूरत कैसे नहीं थी भाई, आज आप लोगों को पूरी भाजी ही खानी पड़ेगी, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कल रात की तरह कोई गड़बड़ नहीं है, नमक मिर्ची सब मात्रा में है। चखिए चखिए। चिंता मत कीजिए, इसे मैंने नहीं बनाया, सुबह सुबह उठकर आप लोगों के लिए खास रिक्शा पकड़कर माखनलाल की दुकान से लेकर आया हूँ। अच्छा, माखनलाल से लेके आए हो? हाँ। अब मुझे माखनलाल की पूरी भाजी तो जोरदार होती है। चलिए फिर, तो गरम गरम है, खा लेते हैं। मैं एक प्लेट तो परोस के लेके आता हूँ। जेठा जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए पपिता जी, आइए भाई, आइए आइए आइए। जेठालाल, तुम्हारे लिए, चाचा जी के लिए, टब्बू के लिए सरप्राइज है। क्या? देखिए, कल रात को तो आप लोग हमारे वहाँ पे डिनर पे आने वाले थे, पर आपका प्लान लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया, इसलिए जेठालाल हमने सोचा कि कल रात का डिनर ना सही तो आज का ब्रेकफास्ट ही सही, इसलिए मैं आपके लिए बंगाली स्पेशल कोराई छुट्टी कचौरी बना के लेके आई। कोराई छुट्टी कचौरी? कोराई छुट्टी कचौरी, जैसे मटर की पूरी समझ लो। अरे वाह, अरे आज फिर से कल जैसा हो गया। बबीता जी बेचारे हमारे लिए प्यार से कचौरी लेकर आए, पर ये पोपटलाल पूरी भजी लेके आ गया, आज ये फिर से नड़ेगा। लगता है बबीता जी के हाथ का बना खाना मेरा नसीब में ही नहीं है। जेठालाल, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ, आज फिर से कल जैसा हो गया। क्या? क्या? वो पोपट बेटा भी नाश्ता लेकर आया है। हाँ, सुबह सुबह उठ के खास इनके लिए लेकर आया हूँ। पोपट भाई, दिस इज नॉट फेयर। कल रात का डिनर तो आपने करवाया ना, तो ब्रेकफास्ट का मौका तो हमें ही मिलना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं बबीता जी। क्या अंदर आ सकते हैं जेठालाल? अरे आइए आइए मेहता साहब, आइए। क्या बात है अय्यर भाई, बबीता जी, पोपट भाई, आप सब यही है, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग भी जलेबी फाफड़ा की इस महफिल पे शरीक हो जाइए। फाफड़ा जलेबी? हाँ भाई, कल के सूप और सलाद की भरपाई है। देखिए जेठा भाई, स्पेशली आपके लिए फाफड़ा, संभारा और जलेबी आप सबके लिए। जेठा जी, आप ये फाफड़ा जलेबी के प्यार में मेरे इस कोराई छोटी कचौड़ी के साथ अन्याय नहीं कर सकते।
लेकिन कोराई सुधीर कचोरी के साथ न्याय हुआ तो मेरी पूरी भाजी के साथ अन्याय हो जाएगा। भाई सुबह सुबह उठकर रिक्शा पकड़कर बहुत दूर से इनके लिए लेकर आया। अरे पोपटलाल चिंता मत करो, हम ये सब चीज खाएंगे। अरे जेठालाल, अरे आप सब यहाँ? कहीं मेरी गैरहाजिरी में यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं भिड़े अंकल, सोसाइटी की मीटिंग नहीं, नाश्ते की मीटिंग हो रही है। अगर भाई मीटिंग, अब लोग नाश्ता लेकर ही आए हैं। आप लोग क्या लेकर आए हैं? माधवी ने मस्त पे की गर्मा गर्म थाली पीठ बनाए है विथ लोनी एंड लोनसो। अरे वाह, थाली पीठ तो मेरी फेवरेट है। लो माखनलाल की पूरी भाजी, कोराई शुटीर कचोरी, जलेबी फाफड़ा के साथ अब थाली पीठ भी आ गया नाश्ते में। और जेठिया ने तो पहले से खाकर और चिमड़ा तो रखा ही है। आ गए जी, आ गए, रोशन एंड रोशन आ गए जी। कमाल है भाई सबको, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग भी इधर? हाँ रोशन पापी, सब लोग मुझे, बापू जी और टप्पू को नाश्ता खिलाने के लिए अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आए। ओए ये तो कमाल हो गया भाई, हम सारे गोकुलधाम वाले एक जैसे ही सोचते हैं। मतलब हम भी जेठा भाई, चंपक चाचा और टप्पू के लिए नाश्ता लेकर आए हैं, पराठे और लस्सी। जो जो। अरे 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 क्या बात है, आप सब यहाँ? अरे ना कोमल भाभी, डोंट टेल मी कि आप भी जेठा जी, चंपक चाचा और टप्पू के लिए नाश्ता लेकर आए हो। क्यों? ऑफ कोर्स, मैंने भी इन तीनों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाई है। बोलो। ओ, 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 बापूजी ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया जेठा भाई? अरे भाई कमाल ये हो गया है हतीड़ा, क्या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के मन में एक ही विचार है। मतलब? मतलब ये पोपटलाल हमारे लिए मक्खनलाल के दुकान से पूरी भाजी लेके आया है, फिर ये बबीता जी बंगाली कचौरी लेके आए है, फिर मेहता साहब जलेबी फाफड़ा लेके आए, माधवी पापी और भीड़े हमारे लिए थाली पीठ लेके आए, सोटी और रोशन पापी हमारे लिए पराठा और लस्सी लेके आए, और अभी आप कचौरी लेके आए। बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हर तरह का भोजन आज यहाँ पे, ये तो नाश्ते का राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। ओ यारो, ये तो कमाल और धमाल हो गया। सच में कमाल हो गया। आई डोंट बिलीव दिस, सब एक जैसा कैसे सोच सकते है? ये तो एक प्रकार का चमत्कार ही हो गया। नहीं अरे माधवी भाभी, हमारी सोसाइटी जानी जाती है अनेकता में एकता के प्रतीक के नाम पे। सच में एक तरह का चमत्कार ही है, आप सबका इतना प्यार देख के मेरा तो दिल भरा है। बापू जी, हमने किसी को नहीं कहा था कि हमारे लिए नाश्ता लेके आना, लेकिन सबके मन में एक ही टाइम पे एक ही विचार आया कि दया नहीं है तो हम क्या नाश्ता करेंगे, और हमारे लिए सब कुछ न कुछ नाश्ता लेके आ गए। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया किस बात का भाई, और हम पूरा गोकुलधाम एक परिवार ही तो है। हाँ जेठालाल, परिवार में क्या कोई एक दूसरे को शुक्रिया कहता है? अब चंपक चाचा तुम्हें क्या किसी बात के लिए शुक्रिया कहेंगे, परिवार है हम लोग। चलिए भाई, अभी सभी अपने अपने घर से इतना बढ़िया नाश्ता लेके आए तो पोटलक पार्टी करते हैं। क्या क्या पोटला पार्टी? क्या नहीं नहीं जेठालाल, पोटलक, पोटलक मतलब पश्चिम में एक परंपरा है भाई, हर आदमी अपने अपने घर से खाना लेके आता है, सबके घर से अलग अलग खाना और सब मिलके एक साथ खाते, इसलिए वो पोटलक। अच्छा उजाड़ी करते है। देखिए दोस्तों, हमने सोचा था कि चाचा जी, जेठा भाई और टप्पू के साथ मिलके नाश्ता करेंगे, इसलिए हम लोग घर से नाश्ता करके नहीं आए, और बहुत तेज भूख लग रही है। ओह हाथी भाई, हमने भी यही सोचकर नाश्ता नहीं किया। हाँ हमने भी नहीं किया है नाश्ता। तेज रखिए। नहीं नहीं मैं तो मतलब हाँ भाई, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। क्या बात कर रहे भाई? नहीं अरे अरे, तो चलो चलो चलो, सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ, देर किस बात की है, और इतनी सारी वैरायटी का नाम सुन के तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत जोर से भूख लगी। बाप रे, सेठ जी कहाँ है? हाँ यहाँ हूँ बागा। वहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो भावरी के साथ सुबह सुबह यहाँ कैसे? हम आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। ले बोलो बापू जी।
मतलब बाघ अंकल आप भी हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हो? आप भी मतलब? अरे बेटा मतलब ये कि ये सब लोग भी अपने अपने घर से हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। अरे वाह, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते में पोहा बनाकर लेकर आई हूँ। वाह वाह वाह, लो अभी पॉटलक में पोहे भी शामिल हो गए। देखा जेठा, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी वाले बाघा बावरी हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। सच में आप सबका प्यार देख के आज मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं गोकुल धाम सोसाइटी में रहता हूँ। इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे पड़ोसी, दुनिया में और कहाँ मिलेंगे बापूजी है? एकदम सही कहा जेठिया तूने। मैं क्या कहता हूँ, अब जब भी मुझे जेठिया को या टब्बू को कुछ भी खाना पीना होगा ना, तो हम लोग सामने से फोन करके आपके घर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बराबर बराबर है बापूजी। वरना क्या है कि आज की तरह अगर हर रोज आप सबको एक साथ ऐसा विचार आया हमें खाना खिलाने का, तो इतना सारा खाना तो हम खाते भी नहीं है और खाना भी वेस्ट हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा जिसके भी घर जाने की इच्छा होगी उसके घर हम फोन करके पहुंच जाएंगे, है ना बाबूजी? और दादाजी पापा, आप जब भी खाने का प्लान बनाओ तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना, वरना कल जैसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। टप्पू सेठ जी, आप खाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारा वर्ल्ड फेमस पद्मावती भोजनालय तो है ही। पद्मावती भोजनालय से आप कभी भी खाना मंगवा सकते हैं। वो तो है, पद्मावती भोजनालय का खाना एकदम स्वादिष्ट और एकदम घर जैसा होता है। अरे भाई दोस्तों, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से खाना शुरू करते हैं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओ यारो, तो नक्की करो और कर दो। अरे गोली, गोगी कहाँ पर है? ओ मेरा दोस्त है पंजाब में, वो अपने बच्चों के साथ मुंबई देखने के लिए आया और गोगी पुत्र उनको घुमाने ले गया अपनी मुंबई। अरे भाई बातें ही करेंगे या नाश्ता भी करेंगे? वो पद्मावती भोजनालय में मेरा बापूजी का और टप्पू का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, वो जब तक गया नहीं है तब तक जरा बोल देना। हाँ मैं बोल दूंगा। भेज देंगे ना टिफिन? हाँ हाँ आराम से भेज देंगे।